पहले भाभी के पास पहुंचते, जरा मशवरा करते हैं कि अरीब के साथ ऐसा क्या किया जाए कि अरीब जो है वो एकदम गुस्से से धर्म भरम हो रहा है। भाभी मेरे ना खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया है, भला मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे कहूँ कैसे। हमने ना आया मैं व्लॉग कर रही हूँ अच्छा। तो ना बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि अरीब पे ना कोई प्रैंक करें। अब उसमें मैं क्या ही प्रैंक अकेले बैठ के कर सकती, तो मैंने कहा मैं भाभी के साथ मुलव्वस करती हूँ। अरे अल्लाह, और प्रैंक और प्रैंक प्रैंक तो सुने जो मेरे माइंड में आ रहा है। भाभी आपने मेरे से लड़ना है। सो गाइस, दरवाजा हम लोगों ने बंद कर दिया है और अब स्टार्ट होता है प्रैंक का असली पार्ट। ठीक है, फ्लैश वगैरह ऑफ है, फोन का किसी को पता नहीं चलेगा, भाभी का रेगुलर फोन ऐसे पड़ा होता है। अब बस हम लोगों ने करना है शुरू अपना ड्रामा। क्राम, हाँ जी, बन गई है चाय? हाँ जी, बस बन रही है। अभी तक चाय नहीं बनाई है तुमने? नहीं, वो आती नहीं है ना मुझे बनानी, इसलिए। यार घंटा हो गया कहा हुआ है उसने अभी तक, और ये क्या किया, दूध गिरा दिया यार इसको साफ कर, इसमें पानी भी तो डालो। इकरा क्या कर रही हो? मैं ना पानी वाली नहीं पीती भाभी। तो ये बिल्कुल दूध वाली, वो किस तरह पिएगा? दूध है ना, या उसको चाय देनी? इकरा ये साफ करो। हाँ, ये साफ करो यार, के पकड़ो इसको साफ करो। क्या किचन में गंद डाला हुआ? मैं किचन में नहीं आई हूँ तो किचन का हाल देखो क्या भाभी। मैं क्या करूँ अगर ये क्या दूध क्यों गिराया इधर? पत्ती डालो उसमें, चाय नहीं बना नहीं आती। ये कोई तरीका है आपका मेरे से बात करने का? ऐसे कहते हैं किसी को जब कोई नई नवेली दुल्हन घर आए तो। कब से घंटा हो गया मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। किस आवाज में बात कर रही हो? तमीज है कि नहीं है? यार थोड़ा सा दूध गिरा, वो इतना बोलने लग गई है मेरे पे। इधर आओ, आके देखो जरा अपनी बीबी के काम क्या हुआ है। चाय बनाने को कहा तो सारी शेल्फ पे दूध गिरा दिए। यार दो कतरे गिरे यार, कह रही तुम्हें चाय नहीं बनानी आती है। मैं क्या करूँ यार, मुझे कौन सा चाय पाती है बनानी आती है? क्या हो गया, क्या करी जा रहे हैं आप? रोटी बनाई है मैं, एक दिन मैं बिस्तर में क्या लेट गई हूँ? मैंने कहा मैं बंदे की रोटी बना दो, रोटी भी नहीं बनाई। सारा दिन मैं खिदमत करती हूँ, एक काम ठहर गया, वो नहीं हो रहा तुम्हारी बीवी से। भाभी उसको नहीं बनानी आती रोटी। यार अभी मेरी बात सुने, चलो ऊपर, तुम ऊपर चलो। आप चाय बना ला, मैंने नहीं आई की बात इसकी। मुझे क्या हो गया, अभी दो सेकंड पहले भाभी मार दी, अभी भाभी विलन हुई है। क्या हो गया, लेती हूँ अपनी बीवी को, ले जाओ इधर से। बीवी क्या तरीका है यार, मैंने बड़ी है, चुप कर जाओ तुम लोग इधर से। यार क्या मतलब बढ़िया यार, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? एक रोटी बनाने को कह रही है, वो नहीं इससे बन रही, खराब करके रख दिया। मैंने अरीब कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने सिंपल यही कहा कि नहीं आती मुझे बनाने। तो मैं क्या कह रहा हूँ, चलो यहाँ से। जी भी यार भाभी, क्या हो गया? तो मैं अपने घर ही चली जाऊँ? क्या हुआ इकरा, क्या किया तुमने? भाई यार ये देखे, तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अरे कुछ भी नहीं किया यार, मैंने सिंपल चाय रखी है, उन्हें कह रही है ना तो मैं दूध। इकरा क्या हो गया यार, बड़ी है, क्या हो गया? कुछ कह रही, मैंने आगे से कुछ भी नहीं कहा है। बड़ों के साथ इतना बात करते हैं? या मुझे नहीं पता, नहीं मैं आपकी चाय तो लेके जाऊँ ना यार, वो पका दो। मैं क्या करा यार, तुम पहले यहाँ चलो, छोड़ दो चीज, कुछ फायदा नहीं। तुम लोग क्या करी जा रही हो? जी तुम्हें चाय का, क्या हो गया यार? बन गई है यार, नहीं नहीं लड़ते पड़े हैं, छोड़ो नहीं लड़ो। मैं नहीं लड़ रही हूँ यार, वो देखा मेरे किचन से बात ना करे कुछ। कैसे बात कर रही है यार, क्या हो गया है? एक छोटी सी चीज है, वैसे समझा दे, आप बड़ी हैं, आप ही समझाना है। एक रोटी बनाने को कह दिया, वो नहीं इससे बन रही। सुनो एक कुछ नहीं होता, ऊपर चलो, मैं करता हूँ बात। नहीं वो उनका नहीं मूड सही होगा, तबीयत खराब है उनकी, जाओ ना प्लीज। चलो ओके ना। अभी क्या हुआ है अभी? हंस रही मुझे कसम से बहुत मजा आया, लेकिन मेरे से एक्टिंग नहीं, भाभी ने क्या तबाही एक्टिंग की है, मानते हो? फिर आपकी भाभी भी एक कलाकार है, मेरे ख्याल से सारी जिंदगी एक्टिंग करती है बचपन में। इसको कितनी खुशियाँ हो रही है, इसको पता था ना पूरे प्लान का।